नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम बात करेंगे जितिन प्रसाद के लखनऊ दौरे की। जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नाम जिसने कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस पर कई आरोप लगाए कि कांग्रेस पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की नहीं सुनती है, कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से चलती है, वहाँ कुछ व्यक्ति विशेष हैं जिनके मुताबिक पार्टी चलती है, और उसी के साथ भाजपा की उन्होंने जमकर तारीफ करी। अद्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। आज एक खास दिन था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लखनऊ की राजनीति में, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव दिन पर दिन नजदीक आते जा रहे हैं, एक एक मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टी का हो या किसी बड़े नेता का हो, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेश छोड़ जाता है। ठीक वैसा ही जितिन प्रसाद का ये लखनऊ दौरा है और उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। यूपी तक ने लगातार जितिन को फॉलो किया और जितिन से बातचीत भी करी। हम आपको बताएंगे आखिर क्या महत्व है, क्या संकेत मिलते हैं इस पूरे आज के लखनऊ दौरे से। जितिन प्रसाद लगभग 1:30 बजे करीब लखनऊ एयरपोर्ट में लैंड हुए और बाहर निकले। बाहर जब वो निकले तो जन सैलाब जो था वो देखने वाला था। लगभग 300 लोग जो थे लखीमपुर से, सीतापुर से और उनका जो गृह जनपद है शाहजहांपुर, वहाँ से भारी संख्या में आए। और जिस तरह से जैसे ही जितिन बाहर निकले, भारी संख्या में लोग उनकी तरफ भागे और कोई फूल चढ़ा रहा था, कोई फूल माला उनको पहनाने की कोशिश कर रहा था। धक्का मुक्की भी हुई और किसी तरीके से बचते बचाते जितिन प्रसाद अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से सीधे बीजेपी के कार्यालय में आ पहुँचे। सबसे पहले बीजेपी कार्यालय में एंटर करते ही जितिन प्रसाद ने मंदिर की तरफ रुख किया और जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। और उसके आशीर्वाद लेने के बाद जितिन भाजपा कार्यालय में गए, वहाँ स्वतंत्र देव सिंह से मिले, सुनील बंसल से मिले, बातचीत हुई, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें स्वतंत्र देव सिंह ने जितिन प्रसाद के आने को उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए एक बड़ी जीत बताया। तो वहीं जितिन प्रसाद ने स्वतंत्र देव सिंह का एक तरह से स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी ही वो पार्टी है, यूपी बीजेपी ही वो जगह है जहां पर वो खुलकर परफॉर्म कर पाएंगे। उन्होंने एक बात कही कि उनका काम बोलेगा। ये आने वाले लोगों में सबको पता, आने वाले दिनों में सबको पता चलेगा कि जितिन प्रसाद का काम बोलता है। उन्होंने कहा, यूपी तक से जब बातचीत करी जितिन प्रसाद ने तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से आप मेरे पीछे हुजूम देख रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं, वो दर्शाता है कि लोगों ने अब मन बदल लिया है और लोग अब जान गए हैं कि केवल एक ही राष्ट्रीय पार्टी बची है और वो है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही देश और प्रदेश आगे बढ़ सकते हैं, बाकी कहीं किसी के बस का अभी के लिहाज से कुछ भी नहीं है। जितिन ने कहा, जब ब्राह्मणों को लेकर सवाल यूपी तक ने किया तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं सबको साथ में लेकर चलने की योजना बनाकर आया हूँ और उत्तर प्रदेश से उनका गहरा लगाव रहा है। कई रीजंस हैं, जो सीट्स उनकी लोकसभा की होती हैं, विधानसभा इलेक्शन में जो सीट रही हैं वो सारी यूपी की रही हैं, चाहे लखीमपुर हो चाहे शाहजहाँपुर हो। शाहजहाँपुर से तो उनका एक बचपन का नाता है, उनके पिताजी भी एक बड़े नेता थे वीरेंद्र प्रसाद, जिन्होंने लंबी लंबी दौर की राजनीति करी। शाहजहाँपुर उनका भी जो है गृह जनपद था एक तरह से, तो देखा जाए तो यूपी से उनका कनेक्ट है। अब देखना है कि क्या बीजेपी को इस चीज़ से फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो संख्या थी वो आज देखने लायक थी। उसमें ब्राह्मण परिषद चेतना जो जितिन प्रसाद ने एक बनाई है उसके लोग थे, कई कांग्रेसी थे जो अब पूरा मन बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। इसके अलावा भाजपा सूत्रों की माने तो लगभग 53 ऐसे नाम गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जिन्होंने भाजपा में जाने का मन बना लिया है, और अभी उनका वेरिफिकेशन होगा, प्रोसेस होगा और उनकी भी जल्द ही भाजपा में ज्वाइनिंग हो सकती है। और ये सारे ही जितिन के फॉलोअर्स हैं। जो भीड़ देखने को मिली उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है शायद भाजपा को एक एज ब्राह्मण वोटों में मिल सकता है, क्योंकि ब्राह्मण इन पूरे 4 सालों में योगी आदित्यनाथ सरकार से कहीं ना कहीं खफा रहे हैं। खैर, ये वक्त बताएगा, पर जितिन प्रसाद की आज का जो दौरा था वो काफ़ी अहम था और कई संकेत दे कर गया। नीरज कुमार के साथ समर श्रीवास्तव, यूपी तक के लिए।